हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रदेव सिंह लगन या लियो असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे? दोस्तों ये वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा। हम शुक्रदेव की डिग्री वाइज नक्षत्र वाइज पोजीशन देखेंगे कि दशांतर दशा में क्या होगा, उपाय देखेंगे और मैं आपको इस शुक्र की पोजीशन के साथ में हस्तरेखा और वास्तु की टिप्स भी दूंगा। तो सिंह लगन की कुंडली में नंबर 5 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है, इसके मालिक सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव ने शुक्रदेव को कुंडली में 2 भाव दिए। तृतीय भाव जो मेहनत का भाव होता है और प्रोफेशन का भाव, कर्म स्थान इनको दिया। और आज के वीडियो के लिए शुक्रदेव अष्टम भाव में विराजमान है, जहां नंबर 12 लिखा है। ये शुक्रदेव की उच्च राशि होती है, मगर 8वां भाव प्रॉब्लम का होता है। तो शुक्रदेव की इस पोजीशन में कुछ जनरल रिजल्ट आएंगे जो ज्यादातर सभी कुंडली में शुक्रदेव की इस पोजीशन पे वैलिड होते हैं। इसमें अच्छे प्रभाव में व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा और आराम नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि कभी कभी आराम कर लेने में भी कोई हर्जा नहीं है। ऐसा व्यक्ति सोचेगा कि उसको भविष्य का रास्ता मालूम है, मगर कोई उससे पूछता ही नहीं है, कोई उससे एडवाइस नहीं लेता, काउंसलिंग नहीं लेता, और ये सोच सोच के वो अंदर ही अंदर परेशान होता रहेगा। शुक्रदेव स्त्री ग्रह है तो ये व्यक्ति की पत्नी को दर्शाएंगे। तो खासकर आदमी की कुंडली में यदि शुक्रदेव अष्टम भाव में हो तो पत्नी का स्वभाव सख्त या कड़क हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो भी बात बोलेगी, यदि वो गलत बात बोलेगी तो वो सच हो जाती है, और वो सही बात बोलेगी, अच्छी बात बोलेगी तो वो सच हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ हमेशा बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि पत्नी यदि गलत बोलेगी तो दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ता है। शुक्रदेव यहां पर बैठकर द्वितीय भाव को देखेंगे। यहां पर जो भी ग्रह होगा द्वितीय भाव में, इसका जैसा भी असर आएगा, अच्छा या बुरा, शुक्रदेव भी वैसा ही असर देने लगेंगे। मगर यदि यहां पर कोई भी ग्रह ना हुआ, उस केस में शुक्रदेव इस व्यक्ति को युद्ध से जुड़े कार्यों में मदद देंगे, आर्मी नेवी एयरफोर्स इत्यादि से जुड़े कार्य में मदद देंगे, मगर इनकी ससुराल की हालत शादी के बाद खराब होने लग जाएगी। और ऐसे व्यक्ति को शादी 25 साल की उम्र के बाद ज्यादातर करनी चाहिए कुंडली चेक कराकर। एक और चीज जो देखी गई है कि शुक्रदेव जब अष्टम भाव में हो तो ज्यादातर कुंडली में चंद्रमा, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह भी खराब प्रभाव देने लगते हैं। तो जब भी शुक्र को हम एनालाइज करवाएं अपनी कुंडली, तो हमें ये 3 ग्रह भी स्पेशली चेक करा लेने चाहिए। मगर ये जरूरी नहीं है कि शुक्र अच्छे या बुरे प्रभाव ही देंगे। उम्र के अलग अलग सालों में ये अच्छे प्रभाव या बुरे प्रभाव दे सकते हैं, जैसा कि हरे और लाल रंग में दिखाया है। अच्छे प्रभाव आने की संभावना इन सालों में ज्यादा हो जाती है, जैसे 12वां साल, यानी कि व्यक्ति के उम्र के 11 साल पूरे हो चुके हैं और 12वां साल चल रहा है, तब 19वें साल में 30, 40, 52 और 64वें साल में अच्छे प्रभाव आने की संभावना ज्यादा होती है, और बुरे प्रभाव आने की संभावना पहले 11 साल में, फिर 27वें साल में, 34वें साल में, 39 से 45वें साल में ज्यादा होती है, सिवाय 40वें साल में जब ये अच्छा इफेक्ट देंगे। तो इस तरह से शुक्रदेव के जनरल प्रभाव आते हैं। मगर कुंडली टू कुंडली शुक्रदेव चूंकि 2 भाव के मालिक होते हैं, जो हर कुंडली में अलग अलग होंगे, तो कुंडली टू कुंडली इनका क्या प्रभाव आएगा? तो सिंह लगन की कुंडली में चूंकि ये 3रे भाव के मालिक है, 10वें के मालिक है और 8वें में बैठे हैं, तो ये इन 3 का प्रभाव देंगे। ये जो एडिशनल प्रभाव आएगा 3रा भाव, इस भाव के प्रभाव में व्यक्ति की यात्राएं होंगी और यात्राओं में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। व्यक्ति इस पीरियड में मेहनत बहुत करेगा अपने प्रोफेशन के लिए और कहीं ना कहीं उसको रुकावटें आती रहेंगी। व्यक्ति आईटी के क्षेत्र में जुड़ सकता है, संचार माध्यम, कम्युनिकेशन, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में व्यक्ति जुड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पर जाकर लोगों के साथ बहुत वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा करे। अष्टम भाव में बैठकर शुक्रदेव व्यक्ति को सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जोड़ सकते हैं, सर्जरी के कामों में जोड़ सकते हैं, इंश्योरेंस के कामों में जोड़ सकते हैं। ये व्यक्ति को लमसम या मोटा पैसा दिलवा सकते हैं, जैसे पैतृक धन,
इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस का पैसा व्यक्ति को, ये अकल्ट स्टडीज में जोड़ सकते हैं, व्यक्ति की रुचि ज्योतिषी की टैरो तंत्र मंत्र इत्यादि में काफी ज्यादा हो सकती है। और यहाँ पर बैठकर ये व्यक्ति को एक्सीडेंट या इंजरी भी दे सकते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम में ये त्वचा के रोग दे सकते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब ये दसवें भाव के मालिक भी होते हैं जो हमारा कर्म स्थान होता है, तो अष्टम भाव में बैठकर ये प्रोफेशन में प्रॉब्लम कर सकते हैं, प्रमोशन में प्रॉब्लम कर सकते हैं, व्यवसाय में उन्नति में रुकावटें बहुत ला सकते हैं, सिवाय उन लोगों के जिन लोगों का काम यहाँ से रिलेटेड यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस, इंश्योरेंस, सर्जरी इत्यादि जिनकी हमने बात की उनके साथ जुड़ा हो। अब शुक्रदेव के ये जो प्रभाव आएंगे इन तीन जगह के, क्या ये शुक्रदेव की दशा अंतर दशा में आएंगे या नहीं, उसको एनालाइज करना जरूरी होता है। उसके लिए आप कुंडली के ये भाव देखिए जहाँ एक लिखा है, पांच लिखा है और नौ लिखा है यानी कि लग्न और दोनों त्रिकोण भाव। यदि इन तीन भाव में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, यदि लग्न या त्रिकोण भाव में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, उस केस में शुक्र देव के जो प्रभाव हमने डिस्कस किए इन तीन भाव के, वो ये वाले ग्रह जो भी यहां बैठा है उसकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में मिलेंगे। यदि यहां कोई ग्रह नहीं है तब शुक्रदेव के ये जो प्रभाव थे ये शुक्रदेव की दशांतर दशा में मिलेंगे, मगर अगर यहां पर अब कोई ग्रह बैठा है तो शुक्रदेव की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में क्या प्रभाव आएंगे, शुक्रदेव डिग्री वाइज उनको अब चेक करना जरूरी हो जाता है। जिस डिग्री में हो गए उसके अनुसार अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में वो रिजल्ट देंगे। यदि यहां पर यह 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तब हमें कुंडली में बृहस्पति देव की पोजीशन चेक करनी है। इस केस में यदि बृहस्पति की पोजीशन अच्छी हुई तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में मदद करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मदद करेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि रिकमेंडेड नहीं होता है। व्यक्ति को कला के क्षेत्र में जोड़ेंगे, एक्टर एक्ट्रेसेस म्यूजिशियन सिंगर डांसर पेंटर बना सकते हैं, व्यक्ति को स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं, व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन ट्रांसफर देंगे और व्यक्ति को प्रेम संबंध भी देंगे। और इन सब चीजों में सफलता तब मिलेगी जब बृहस्पति देव की पोजीशन कुंडली में अच्छी हो। यदि शुक्रदेव यहां पर 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठे हैं तब हमें कुंडली में शनिदेव की पोजीशन चेक करनी चाहिए। जब भी शुक्र की दशांतर दशा चलेगी यह व्यक्ति को नौकरी देंगे, लोन देंगे, कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में व्यक्ति अपीयर होगा और यदि शनिदेव की पोजीशन अच्छी हुई तो इन सब चीजों में व्यक्ति को सफलता मिलेगी। शुक्रदेव की इसी दशांतर दशा में व्यक्ति की शादी हो सकती है, मगर शादीशुदा जिंदगी में अगर ये वाला भाव खाली हुआ या शनिदेव स्वयं यहां बैठे हुए तब शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम होगी और मामला डाइवोर्स तक जा सकता है। और यदि शनिदेव यहां पर बैठे होंगे और शशा योग बना रहे होंगे उस केस में व्यक्ति को व्यापार में भी ये सफलता देते हैं। यदि शुक्रदेव इस पोजीशन में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में हुए तब हमें कुंडली में बुध देव की पोजीशन चेक करनी है। अगर बुध देव अच्छी पोजीशन में हुए तो शुक्रदेव की यह दशांतर दशा बहुत अच्छी जाएगी, व्यक्ति को हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति होगी, धन लाभ होगा, परिवार में बढ़ोतरी होगी, परिवार के साथ बातचीत अच्छी बनी रहेगी, खाने पीने को अच्छा मिलता रहेगा, व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे इस पीरियड में और व्यक्ति चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में जोड़ सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि शुक्रदेव यहां बैठकर अच्छे या बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकते हैं। अब शुक्रदेव जब यहां हो तो हाथ में हमने क्या देखना है, हस्त रेखा, शुक्र का जो माउंट होता है अंगूठे के नीचे, यहां से एक लाइन इस तरफ दूसरी साइड में व्यक्ति के हाथ में हो सकती है। यदि ये लाइन है तो शुक्रदेव के हम ये प्रभाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है उनकी हस्तरेखा में देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि शुक्रदेव इसी पोजीशन में बैठे हैं।
जरूरी नहीं कि ये लाइन सब लोगों के हाथों में हो। वास्तु के इसमें क्या टिप्स होते हैं? शुक्रदेव स्त्री ग्रह हैं, स्त्रियों को दर्शाते हैं, खासकर पत्नी को, गाय इत्यादि को। तो घर के साउथ में हमें देखना चाहिए क्या पत्नी या गाय से रिलेटेड कोई सामान पड़ा है, फोटो, पेंटिंग, बेडरूम, लग्जरी आइटम्स, परफ्यूम्स इत्यादि यदि साउथ में पड़ा है और व्यक्ति को शुक्र की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो वो सब चीजें वहां से हटा देनी चाहिए। शुक्र देव के लिए जो नॉर्मल उपाय हम करते हैं, इस शुक्र की पोजीशन में गाय माता की सेवा करनी चाहिए। अगर कुंडली में बहुत खराब असर आ रहे हैं तब कुंडली चेक कराकर गाय का दान करना चाहिए। और इस व्यक्ति के लिए प्रिकॉशन होती है कि उसको जिंदगी में कभी भी किसी से दान नहीं लेना चाहिए या कोई चीज फ्री नहीं लेनी चाहिए, और मंदिर जाकर प्रभु के सामने सर झुकाकर प्रार्थना करनी चाहिए। व्यक्ति कोई भी धर्म फॉलो कर रहा हो उस धर्म के स्थान में जाकर व्यक्ति को ऊपर वाले के सामने सर झुकाकर प्रार्थना करनी चाहिए, उससे व्यक्ति के शत्रुओं का नाश होता है। मगर अगर व्यक्ति ये ना करे तब व्यक्ति के चाल चलन पर शक हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शुक्रदेव का अष्टम भाव में क्या प्रभाव होगा, सिंह लग्न में, ये समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।